वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं, कोई बच्चे व्हाट्सअप मैसेज भी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को 11 से 12:30 टाइम दिया है, उसी में कॉल करो। मेरी कुछ मीटिंग्स होती है, कुछ कॉलेजेस काम होते हैं, लेकिन कंटिन्यू मैसेज आने से मैं आप लोगों को किसी के कॉल उठा नहीं पा रहा, इसलिए सबसे पहले मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को ओनली इतना काम करना है, जो सवाल हो डायरेक्ट सवाल पूछना है। सर मैं ये हूँ, इसका हूँ, वो हूँ, ऐसा मत बताओ। डायरेक्टली सवाल जो होगा उस पर आप लोग फोकस करें। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीस का स्ट्रक्चर, ऑल कॉलेज इन महाराष्ट्र, जितने कॉलेज के हैं महाराष्ट्र के, सभी महाराष्ट्र के कॉलेज से बच्चों, मैं आपको टोटल फीस, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस कॉलेज की क्या क्या, मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज सभी 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 कॉलेज, शायद मुझे लगता है कि 317 कॉलेजेस है हमारे पास, उसको पार्ट में बांटा जाएगा, तीन, एक दो तीन, 100-100 कॉलेज नियर अबाउटली हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, कॉलेज का नेम। उसके बाद में बच्चों इसके लिए देखो, पहले सीरियल नंबर और इंस्टीट्यूट आईडी नंबर दे वाला है, AR 343439। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दे वाला है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे अंजुमन है ना इस्लाम, ये जो कॉलेज है स्कूल एंड आर्टिक डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में है, इंजीनियरिंग है, अप्रूव्ड है बच्चों ये सबसे, ठीक है। डेट ऑफ मीटिंग हो चुकी है इनकी। ट्यूशन फीस है यहाँ पे 76,126, डेवलपमेंट फीस है बच्चों 8,374 और टोटल फीस है यहाँ पे 84,500। इतनी फीस, टोटल फीस आपको पेड करना पड़ेगी, ठीक है। ये कॉलेज के नाम और ये उनकी फीस टोटल यहाँ पे दे चुके हैं। आप लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, उसकी फीस कितनी है, उनकी मीटिंग कब हो चुकी है, क्या है, ये सभी डेटा इसमें हम लोग ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रामटेक का कॉलेज है बच्चों, मैं कॉलेज के पूरे नाम नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि बच्चों आपको पता है इतने कॉलेज के नाम पढ़ूंगा तो आपको मैं शायद इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ठीक है। रामटेक का कॉलेज बच्चों कभी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी साइंस नागपुर में, इंजीनियरिंग है, नो अपवर्ड रिवीजन, 7/3/2019 को ट्यूशन फीस उनकी मीटिंग हो चुकी है। उनकी ट्यूशन फीस है बच्चों 92,872 और 10,000 डेवलपमेंट फीस है, टोटल यहाँ पे 1,03,000 फीस है बच्चों। YSBMS यशोदा टेक्निकल सातारा इंजीनियरिंग है, नो अपवर्ड डिवीजन बच्चों, यहाँ पे ट्यूशन फीस जो हो चुकी है वो है 68,018 और यहाँ पे 7,482 डेवलपमेंट फीस है बच्चों, टोटल 75,500 इसकी फीस है। श्री संत गजानन महाराज शेगांव का अच्छा कॉलेज है, बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों, इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, अप्रूव्ड कॉलेज है, यहाँ पे उनकी जो फीस है 1,06,477 और 13,523 इतनी उनकी डेवलपमेंट फीस है, टोटल 1,20,000 फीस होगी बच्चों, ठीक है, इस कॉलेज की। उसके बाद में VYWSS राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी अमरावती का कॉलेज है बच्चों, इसकी टोटल फीस भी 1,20,000। आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये आपको देखना है कि उनकी डेवलपमेंट फीस कितनी है और ये जो फीस दिख रही है आप लोगों को ट्यूशन फीस, पहले ट्यूशन फीस है बाद में डेवलपमेंट फीस है, ठीक है, इस चीज को समझना आपको। PR पोटे पाटिल एजुकेशन, ठीक है, यह अमरावती का कॉलेज है बच्चों, इसमें आप लोगों को 88,731 फीस है और 11,269 इतनी उनकी डेवलपमेंट फीस है, टोटल 1,00,000 रुपए फीस भरना पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। ये एक अमरावती का कॉलेज है, इस अमरावती के कॉलेज में 80,000 करीब करीब उनकी फीस है। श्री शिवाजी एजुकेशन, ये जो दिख रहा है आपका अकोले का, अकोला है डिस्ट्रिक्ट, इंजीनियरिंग अप्रूवल कॉलेज है बच्चों, 93,000 फीस है इसकी, 11,000 इनकी डेवलपमेंट फीस है बच्चों, ट्यूशन फीस और ये दोनों मिला के 1,05,000 उनकी फीस है, ठीक है। बाबा साहेब नासिक कॉलेज, उसके पहले एक और एक कॉलेज बाकी है आई थिंक, हाँ ये अकोला का हो गया, ठीक है। बाबा साहेब नाइक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये पुसब, बहुत ही अच्छा कॉलेज बच्चों, ये यवतमाल में इंजीनियरिंग कॉलेज है
और उनकी फीस 91,000 करीब करीब है, दोनों ट्यूशन और डेवलपमेंट पे। ट्यूशन फीस आपको 82,000 है करीब करीब, और 8,000 उनकी ट्यूशन है ना, 8,573 ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे अनुराधा कॉलेज है चिकली का, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट आता है बच्चों, इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, उनकी 66,000 फीस है ओनली, बहुत कम है क्योंकि ट्यूशन फीस जो इनकी 58,981 है और जो डेवलपमेंट फीस है 7,000 है, ठीक है। जवाहरलाल दर्डा इंस्टीट्यूट यवतमाल में, ये भी अच्छा कॉलेज है जो है, यहाँ पे 73,000 इतनी फीस है टोटल। क्यों? क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस है बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, 64,900 है और 8,000 उनकी डेवलपमेंट फीस है। उसके बाद में श्री हनुमान, ये जो कॉलेज है बच्चों अमरावती में है, ये कॉलेज आप लोगों को 67,000 ट्यूशन फीस है, 7,976 ये जो फीस है उनकी डेवलपमेंट, 75,000 टोटल फीस लगेगी। राजेंद्र गोड़े इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी अमरावती, इस कॉलेज की फीस है बच्चों 89,500 और 10,000 करीब करीब उनकी यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट फीस है, टोटल 1,00,000 रुपये फीस लगेगी आप लोगों को इस कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद में बच्चों राजश्री शोभ कॉलेज बुल्ढाना, यहाँ पे ये आप लोगों को जो दिया है, यहाँ पे उनकी मीटिंग हो चुकी है 20 तारीख को 16/1 है ना, और इनकी जो फीस है बच्चों ये है 44,000 और 5,000 जो है आपकी बच्चों यहाँ पे डेवलपमेंट फीस है, टोटल 50,000 उनकी फीस मिलेगी। श्री दादा साहेब गवई ये जो धारापुर, ये जो अमरावती का कॉलेज है बच्चों, ये है 56,500 और 6,498, तो 63,000 टोटल इनकी फीस है। जगदम्बा ये जो यवतमाल का कॉलेज है बच्चों, इनकी जो फीस है टोटल 95,000 फीस है, क्योंकि 85,000 उनकी ट्यूशन फीस है, 9,000 उनकी डेवलपमेंट फीस है। उसके बाद में राम मेघी कॉलेज जो अमरावती का कॉलेज है बच्चों, उसमें आपको 87,000 फीस है और 11,000 उनकी जो फीस है वो डेवलपमेंट, 98,500 टोटल फीस इस कॉलेज में आपको भरना पड़ेगी। विजन बुल्ढाना एजुकेशन ये जो कॉलेज बच्चों, इसमें आप लोगों को टोटल 52,000 फीस भरना पड़ेगी क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस भी कम है और डेवलपमेंट फीस भी कम है। पी आर पोटे पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अमरावती का कॉलेज है, 81,448 इतनी फीस है बच्चों, और यहाँ पे 81,000 है और ये 90,000 टोटल इसकी फीस आपको पेड करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको सनमति इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, ये वाशिम का कॉलेज बच्चों, यहाँ पे आपको 87,000 टोटल फीस लगेगी। पद्मश्री डॉक्टर वी बी कोलते कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मलकापुर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के बच्चों, यहाँ पे आपको 50,000 ही फीस लगेगी टोटल फीस। बच्चों ये जो ट्यूशन फीस है ये माफ भी हो सकती है आपको, आपको पता है इसके लिए क्या क्या सुविधा है, मैंने ऑलरेडी आपको EWS है, ट्यूशन वेयर सिस्टम्स है, ओनली कॉलेज डेवलपमेंट फीस आपको भरना पड़ती है, बाकी दूसरा कुछ नहीं, बाकी ये फीस माफ भी हो सकती है। देखो यहाँ पे OBC SC ST NT सबको फीस माफ होती है, शायद जो ओपन में उनको भी ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम है और इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए भी फीस कम होती है, तो आपको मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा उसके। माउली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शेगांव, ये यहाँ पे टोटल 66,000 फीस लगने वाली है ट्यूशन फीस और ये आपकी कॉलेज की डेवलपमेंट फीस है। मानव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोला, इस पे आपको लोगों को 51,000 ओनली फीस लगने वाली है। एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी ग्रुप इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप लोगों को औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट आता है बच्चों, और यहाँ पे आपको 42,500 ओनली फीस लगने वाली। श्री यश जो ये श्री यश ये जो प्रतिष्ठान या श्रेष्ठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी औरंगाबाद में कॉलेज बच्चों, इसकी फीस आपको 75,000 रुपये भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्यूशन फीस 67,000 है, ठीक है, और ये 7,000 के ऊपर है तो 75 हो जाए। GS मंडल महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, इस कॉलेज में 92,500 इतनी फीस लगती है। देवगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडी औरंगाबाद, इसमें आपको 97
फीस लगती है, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा फीस में चेंजेस हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 98,000 समथिंग कुछ तो फीस हो चुकी है, 2018 के करीब करीब मतलब जो फीस थी वो दी है, लेकिन इस कॉलेज की थोड़ी फीस बढ़ गई है, लेकिन अच्छा कॉलेज है इसलिए उनकी फीस बढ़ गई है। देवगिरी कॉलेज जो है यहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ था डॉक्टर उल्लास शिवरकर सर का, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, आपको एडमिशन लेना है तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप लोग जाके विजिट करो यार, कोई भी कॉलेज जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में विजिट करना चाहिए एज पर माई व्यू, ठीक है। उसके बाद में मातोश्री प्रतिष्ठान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, नांदेड़ का कॉलेज है बच्चों, इसमें आप लोगों को 67,000 इतनी फीस है। मातोश्री कॉलेज जो SRIT यूनिवर्सिटी के बाद आता है, आगे जाना पड़ता है विष्णुपुरी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका औरंगाबाद का और एक कॉलेज है बच्चों, मैं हर कॉलेज का नाम तो नहीं पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे 1,01,000 फीस है, ठीक है। प्रामुद्योग है ना शिक्षण मंडल मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद में महात्मा गांधी मिशन कॉलेज है बच्चों, ये नांदेड़ में, इसमें आप लोगों को 1,03,000 फीस भरना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी ट्यूशन फीस है 93,460 और ये 9,534 टोटल ऐसी फीस हो जाती है डेवलपमेंट एंड फीस। महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग निलंगा लातूर का कॉलेज बच्चों, यहाँ पे 42,500 फीस भरना पड़ेगी। MS बिड़वे इंजीनियरिंग कॉलेज लातूर, इसमें आपको 79,000 फीस भरना पड़ेगी टोटल, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानाबाद, यहाँ पे आपको 170 यहाँ पे फीस आपको पेड करना पड़ेगी टोटल, ठीक है। श्री तुलजा भवानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तुलजापुर, यहाँ पे 48,000 ओनली फीस है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको 43,636 है और 4,364 टोटल, 48,000 टोटल फीस भरना पड़ेगी। MGM जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ औरंगाबाद, इसको MGM कॉलेज या JNSC कहते हैं, JNEC कॉलेज है औरंगाबाद का। अभी ये MGM कॉलेज जो है ये कैसा है पता है आपको? सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी बच्चों, अभी अभी उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया है, ऑटोनॉमस बोल सकते हैं उसको, और सेल्फ फाइनेंस है, डीमेड यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं शायद, ठीक है। तो ये अप्रूव्ड है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये भी कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे 1,32,000 इतनी फीस भरना पड़ेगी। लेकिन बच्चों ये ना इस साल फीस में चेंजेस हो सकते हैं, जो 2020 दिखाई का मीटिंग हो चुकी है, तो इस साल इनका MGM का कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है। आप बोलेंगे सर क्यों? इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि वो अभी सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी हो, तो उनका फीस कुछ इंक्रीज हुआ होगा, तो आप लोग जाके वहां पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते। ये जो है पहली फीस है, 2019 की फीस है, ठीक है। 2018 19 या 20, जो 20 है वही फीस रहेगी, जो 2017 18 जो दिख रहा है आपको इसमें फीस चेंजेस हो सकते हैं। महात्मा बसवेश्वर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंबेजोगाई, 73,500 ये ट्यूशन फीस है और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट फीस। पीपल एजुकेशन सोसाइटी मतलब यहाँ पे बच्चों मिलिन कॉलेज है औरंगाबाद में, उनका कॉलेज है पीपल एजुकेशन सोसाइटी, अच्छा कॉलेज है भी, 83,500 इतनी फीस है, ठीक है। यहाँ पे और एक औरंगाबाद का कॉलेज है बच्चों, यहाँ पे आपको 75,000 इतनी फीस भरना पड़ेगी, है ना। यहाँ पे और भी कॉलेजेस है आपके लिए, आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज बीड, बीड का कॉलेज बच्चों, 1,20,000 इतनी फीस यहाँ पे भरना पड़ेगी, ठीक है। नागनाथ अप्पा हगले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीड का कॉलेज बच्चों, 60,000 फीस भरना पड़ेगी। मत्सोदरी शिक्षण संस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जालना, यह हमारे फिलहाल में मंत्री जी है राजेश जी टोपे साहब, राजेश जी टोपे साहब कौन से मंत्री है तो आरोग्य मंत्री है, उनका कॉलेज बच्चों, उनके कॉलेज में 64,000 फीस पूरी टोटल पेड करना है, ये ट्यूशन फीस है और ये आपकी डेवलपमेंट फीस है। श्री साई सामाजिक विकास संस्थान, ठीक है, औरंगाबाद का कॉलेज बच्चों, इसमें 70,000 टोटल फीस भरना पड़ेगी। आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल्स KT पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उस्मानाबाद, इसमें आपको 45,000 टोटल फीस, इसकी ट्यूशन फीस ये मीटिंग हो चुकी, यहाँ पे ये अप्रूव्ड है नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। औरंगाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नायगांव सांगी औरंगाबाद, औरंगाबाद में है बच्चों ये, 70,000 इसकी फीस मिलेगी आपको। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल परभणी का, मतलब ये आई थिंक
श्री शिवाजी कॉलेज, हाँ जो देवगिरी कॉलेज है बच्चों, औरंगाबाद का देवगिरी कॉलेज है, वही देवगिरी कॉलेज आप लोगों को जो मिलता है औरंगाबाद में, उनकी ही ब्रांच है परभनी में, उनकी 32,000 ओनली फीस है। विलासराव देशमुख फाउंडेशन लातूर कॉलेज का है बच्चों, 55,000 फीस आपको टोटल भरना पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उसमें आप लोगों को EBC या EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है बच्चों, उसके बाद में ट्यूशन फीस, वेयर सिस्टम, ये सभी फीस के कारण फीस कम होती है, ठीक है। तो आपको इतनी फीस भरने की जरूरत नहीं होती है। हाँ जो ओपन में प्यूअर है उनको वो फीस भरना पड़ेगी, आपको कितना डेवलपमेंट फीस है ये इंपॉर्टेंस है, मुझे लगता है डेवलपमेंट फीस भरना पड़ती है, कभी कभी किस लोगों को आधी फीस भरना पड़ती है, तो मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। उसमें आप लोगों को यहाँ पे बालघाट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है लातूर का, वहाँ पे भी 55,000 फीस है बच्चों, और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जो कॉलेज है मैनेजमेंट औरंगाबाद का, 55,000 फीस है। यहाँ पे संदीप पानी टेक्निकल कैंपस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग लातूर, यहाँ पे 85,000 फीस है। यहाँ पे CSM जो कॉलेज है बच्चों औरंगाबाद का, ये भी कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में 80,000 फीस भरना पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। ये जो देवगिरी कॉलेज है बच्चों, देवगिरी कॉलेज और CSM कॉलेज, ये दोनों कॉलेज जो है, और MIT JNSE, ये अच्छे ही कॉलेज है, ठीक है। ग्रामीण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 87,000 इतनी फीस है। मंजारा का है क्या है बच्चों, मंजारा चैरिटेबल ट्रस्ट राजू टेक्नोलॉजी मुंबई का कॉलेज बच्चों, 1,20,000 फीस है यहाँ पे। इसके बाद में विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मुंबई वडाला, 1,50,000 फीस है बच्चों इसके, 1,50,000 टोटल। जवाहरलाल एजुकेशन सोसाइटी जो कॉलेज इंजीनियरिंग का रायगढ़ का, यहाँ पे 1,18,000 फीस टोटल मिलेगी यहाँ पे। मैं शॉर्टकट में पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट निकालनी है ताकि सभी बच्चों को इस चीज़ का पता लगे। सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी जो करजत का कॉलेज है बच्चों, यहाँ पे 66,000 टोटल फीस है, क्योंकि 6,000 यहाँ पे डेवलपमेंट फीस है, 60 ट्यूशन फीस है। महावीर एजुकेशन ट्रस्ट ये जो मुंबई का कॉलेज है, 1,38,000 है ना, 1,38,000 इतनी फीस है, क्योंकि इसकी ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है, 1,24,000 है, और 13,000 उनकी यहाँ पे आप लोगों को डेवलपमेंट फीस दिख रही है। सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, इस कॉलेज की 92,000 फीस है। रामराव अधिक अधिक है ना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाने, यहाँ पे 1,45,000 फीस है बच्चों, बहुत ज़्यादा फीस है इस कॉलेज की, लेकिन इसकी ट्यूशन फीस 1,28,000 है, ठीक है। MGMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नवी मुंबई में है, 77,000 रुपये फीस है इसकी। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप लोगों को जो मुंबई है, यहाँ पे 1,47,500, 1,50,000 के करीब करीब फीस हो रही बच्चों ये, है ना, मतलब 1,50,000 नहीं है बोल रहा हूँ मैं ऐसे। ताड़ोमल जो कॉलेज है मुंबई का, ये यहाँ पे 1,85,500 फीस है बच्चों, बहुत ज़्यादा फीस है, ठीक है। उसके बाद में अंजुमन ये जो कॉलेज है बच्चों मुंबई का, 1,41,000 फीस है। यहाँ पे और कुछ कॉलेजेस है, आप लोग FR कॉन्सिको है ना कॉलेज है बच्चों, यहाँ पे 1,50,000 फीस है। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज की फीस 1,13,000 रुपये है। NYSS दत्ता मेघे है ना कॉलेज ऑफ मुंबई, 55,000 फीस है। पद्म भूषण वसंत दादा पाटिल कॉलेज जो है मुंबई का, यहाँ पे भी आपको 1,42,000 फीस भरना पड़ेगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवी मुंबई में 1,03,000 फीस भरना पड़ेगी। तेरणा कॉलेज जो बच्चों, 1,14,000 फीस भरना पड़ेगी। इंदिरा गांधी कॉलेज, श्रीमती इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवी मुंबई, यहाँ पे 90,000 फीस है। शिवाजी राव यश जोंधळे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे 1,08,500 फीस भरना पड़ेगी। वहाँ पे विद्यार्थी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना, क्या है, सॉरी फॉरेन कन्वेंस है, विद्यार्थी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वसीका कॉलेज बच्चों, 1,12,000 फीस भरना पड़ेगी। श्री विले पार्ले जो कॉलेज है बच्चों, यहाँ पे 1,94,000 फीस है बच्चों इस कॉलेज की, बहुत ज़्यादा फीस है इस कॉलेज में।
ठीक है, तो इसके बाद में थोड़ा मुझे लगता है कट हो चुका है ये, ठीक है। फिनोलिक्स एकेडमी ऑफ जो मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रत्नागिरी का कॉलेज है, 87,000 फीस है, ठीक है। रिजवी एजुकेशन जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बच्चों मुंबई का, यहाँ पे 98,000 फीस है। राजेंद्र मानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इस कॉलेज के 89,000 फीस मिलेगी। अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, यहाँ पे 1,27,000 आपको फीस मिलने वाली है, ठीक है। ये कॉलेज के आपको, ये बोरेली का कॉलेज है, 1,25,000 फीस है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा नहीं है, ठीक है, करीब करीब है 95,000 है, और 1,21,000 इन कॉलेज की, ठीक है। SSPMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कनकवली, इनके 95,000 फीस है। MES ये जो कॉलेज है बच्चों आपका पनवेल का, इसमें 1,21,000 फीस आपको रहेगी। अब ये जो फीस है इसमें वेरिएशन होते हैं, तो डोंट टेक टेंशन बच्चों, नहीं तो इसको पकड़ के मत चलना। आप लोगों को जैसे कुछ अपडेट आते तो हम लोग बताते रहते हैं आप लोगों को। KJ सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुंबई, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, सबको पता है KJ सोमिया, पता है ना बच्चों। तो 1,67,000 फीस है बच्चों, 1,01,66,000 इतनी इस कॉलेज की फीस होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलर एजुकेशन सोसाइटी जो ठाणे का कॉलेज है, 1,35,000 फीस है। SIES, ठीक है, ये जो नई मुंबई का कॉलेज है, 1,45,000 फीस मिलेगी आप ही। यहाँ पे वाटुमल इंस्टीट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, 1,40,000 फीस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इंस्टीट्यूट दे रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट देखना है और इसकी फीस, तो ये आप लोगों को इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या जेरोक्स मार सकते हो या उसके फोटो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, 96,500 फीस है बच्चों। देखो यहाँ पे PICT ठाणे, ठीक है, PCTS, सॉरी PCTS, वो हमेशा पुणे का कॉलेज PICT आता है ना मुंह में, 1,28,000 है। न्यू हॉरिजॉन इंस्टीट्यूट जो है, 87,000 फीस है, ठीक है। तो ये कॉलेज आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, 1,01,000 है ना। ये कॉलेज की आप लोगों को फीस मिल रही है, जितना हो सके उतना सभी बच्चों को कन्वे करें, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और न्यू है तो बच्चों लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। ये जो फीस है कॉलेज की, जिन कॉलेज की अपडेट हो सकती है 2020 में, अलग अलग होती है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और शायद आपके किसी के भाई बहन है ना, कोई ना पड़ोसी हो सकता है, कोई ना कोई रिलेटिव हो सकता है, या अड़ोस पड़ोस या फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनको क्लास 10th 11th 12th के हमारे वीडियो पूरे बना के रखे इस चैनल पे, प्लीज़ उसको शेयर करना है, लाइक करना है, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।